हाँ जी, राम राम जी। मैं आपका अपना दोस्त DEEPA के, मतलब कि DK। तो भाई वेलकम है थारा हमारे आज के व्लॉग में। आज का व्लॉग थोड़ा खास होने वाला है। खास इस करके होने वाला है, थम देख सको मैं टोरा शोरा काट रहा हूँ आज, मतलब तैयार श्यार हो रहा हूँ बढ़िया तरीके से। तो मैं जा रहा हूँ भाई अपनी वाइफ से लेने वास्ता चंडीगढ़, ठीक है। तो बस फिर चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा, जुड़े रहे। तो जी मैं जा रहा था अकेला, क्योंकि उधर तो उसका सामान भी होगा कुछ ना कुछ, तो इस करके फिर मैंने सोचा मैं किसी ने क्या ले जाऊँ, फिर दिक्कत हुआ ना आज दूसरा बंदा भी होता कोई, क्योंकि सामान वगैरह भी होगा उसका थोड़ा बहुत, तो इस करके मैं अकेले ही चल दिया। बाकी अकेले ने सफ़र काटना हुआ तो मुश्किल, पर मैं गाने सुन दिया जा रहा था। कटी जगह यार, 2-1 घंटे का रास्ता है तो, मतलब हमारे गाँव से चंडीगढ़ का। अब मैं मतलब 30-40 किलोमीटर पार कर गया, बस रह गया 1.5 घंटे का और आगा। भाई पंचकूले थे बारों बार आंदे चंडीगढ़ में जाना है, मतलब इसी रास्ते ने जाया करा यार हम, क्योंकि ये जो रास्ता है ना बढ़िया है, हाईवे वाला है और ना कोई भीड़ ना भड़ाका, जाम जूम का कोई पंगा नहीं। यूँ तो जीरकपुर साइड ने भी जा सका, लेकिन जीरकपुर का थमने पता ही है उस साइड में दिक्कत बहुत है और टाइम भी बहुत लगा। यो सबसे बढ़िया रास्ता है भाई अपनी साइड से, तो यमुनानगर से सीधा पंचकूला, पंचकूला से फिर सीधा चंडीगढ़। तो ये बस थोड़ी बहुत देर में एंट्री कर जाएंगे हम चंडीगढ़ में। बस यो फायदा है इस रास्ते का, ये थोड़े रास्ते में सिर्फ यह एक बत्ती है बस, मतलब रेड लाइट, और इसके बाद कोई नहीं है। बस इस रास्ते में सिर्फ यह एक रेड लाइट, आगा तो फिर चंडीगढ़ लग जाएगा। तो फिर तो यार थमने पता ही है वहाँ तो रेड लाइट का सिस्टम है ही है सारी जगह, तभी फिर भीड़ कंट्रोल रह सका ना। तो भाई यहाँ जो है पंचकूला की सीमा ख़त्म होगी, मतलब इससे आगा लग जाएगा चंडीगढ़। अभी यहाँ से चंडीगढ़ स्टार्ट हो गया, ठीक है जी। तो भाई पहुँच तो गया था मैं चंडीगढ़, लेकिन फिर थमने पता ही है जाने दे पहला कुछ ना कुछ तो लेकर जाना पड़ा ही है भाई, रिश्तेदारी में जब भी जाऊँ। तो मैं यहाँ कोई स्वीट शॉप देख रहा था, मैंने देखी है पीछे, मैं बैक ले हूँ गाड़ी यहाँ से, क्योंकि पिछली साइड में चली गई दुकान, तो वहाँ से लेऊँगा मैं। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आदमी भाई इतनी सारी मिठाइयों में तो उलझ ही जा, अभी क्या लेकर जाऊँ, दिल तो करा सारी लेकर चला जाऊँ, लेकिन मैं तो भाई दो चीज़ों में उलझ रहा हूँ, एक तो उसमें मिलक की है, एक बर्फी में। तो भाई ज़्यादा उलझन में मैं पढ़ना नहीं चाहूँ, तो मैंने ले लिया मिल्क केक, ठीक है मिल्क केक ले लिया, और इसके अंदर अभी चॉकलेट फॉर माय वाइफ। बस ये तो भाई सीधा ब्रेक में ही मारेंगे जाएगा, अपने ससुराल में ही जो लेना था ले लिया, तो चलते हैं फिर। तो भाई मैं पहुँच गया था, लेकिन गाड़ी मैंने बाहर ही पार्क करनी पड़ेगी, हाँ बहुत बड़ा ग्राउंड सा है जिस तरह, तो मतलब यहाँ बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी रहा, क्योंकि अंदर ना जगह तंग है, पार्किंग की जगह नहीं है, गली तो चौड़ी है, फिर गली में खड़ी नहीं कर सकते भाई, गली में खड़ी नहीं कर सकते भाई, चंडीगढ़ का मामला है हमने पता है, रूल रेगुलेशन ज़्यादा है। तो इस करके मैं गाड़ी ने बाहर ही पार्क कर रहा हूँ, मैंने अपने साले पर फ़ोन किया था, लेकिन भाई वो जा रहा है आज लाइसेंस बनवाण, तो फिर मैंने घर फ़ोन करा अब अपने वहाँ ससुराल में, तो आवा है कोई और आवा है लड़का, क्योंकि चक्कर ये है कि गाड़ी में और भी सामान है, घर वालों ने जो भेजा था तो वो भी लेकर जाना है, और साथ में फिर यो भी है जो मैं ले आया हूँ, और मेरा लैपटॉप का बैग भी है, लैपटॉप है तो इस करके ज़्यादा हो जाएगा मैटर, इस करके मैंने दूसरा बंदा बुलाना पड़ा। तो भाई मैं पहुँच गया था, सबसे पहले देखो मैंने कहा कौन मिली, बाहर के नहीं दिखाया, बाहर बस ऐसे ही दिखाया मैंने, लेकिन तो भाई मैं पहुँच गया था, और पहुंचने के बाद सबसे पहले मेरे से मिला जल, जल ही जीवन दाता है, और सामने भाई वन एंड ओनली माय वाइफ। तो ये बोल रहे हो यू था, कई बंदों के मैं आ रहे हैं आज बोल दी नहीं, बोल दी नहीं, लोग मैं बोली क्या बोलूं बताओ, क्या बोलूं क्या, मैं खुद बोल, यू 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 इमेजिन करा कर कि मान लो तो किसी बंदे के लिए बात कर रहे थे वो लोग बनाएंगे, और कैसे करते नहीं है, मतलब यूं इमेजिन करना कि हाँ मतलब कि ही तो कोई बात बता रही है और कोई तने सुन रहा है, समझ गई आप, सुन रहे हो ना मुझे,
अब ये बताओ आप नहीं सुनिए, फैमिली है अपनी मान लो, ठीक है चलिए सारे सुन रहे हैं, क्योंकि फिर ये कमेंट में मर रिप्लाई दिया करा फिर उसके बाद। अब होली होली सब चीज होगी ना, अब एकदम यार मेरे को नहीं आती तो सीखो ना बेटा। कब सीखोगे, कब बड़े हो गए? कौन सी शॉपिंग, कैसी शॉपिंग? अच्छा चूड़े की भी शॉपिंग होगी करा कोई? या बेबो मार्केट घुमा के लेके आना, दिला के लेके आना, इतना टाइम नहीं है समझ गई, टाइम देख ले क्यों ना। So this is for you. Thank you. पक्का चॉकलेट आएगी इसके अंदर? Yeah. वो भी दो दो। मैंने सोच रहा मैं एक आधा बंदा नहीं पता कौन टकर जाएगा वो का। एक तो तेरी है। दोनों मेरी है दो। ये किस टाइम कोई नहीं टकर रहा तो दोनों तेरी है। या वे वो मेरी है दोनों। हाँ। मैं तो कुछ लेके नहीं आई आपके लिए। कोई बात नहीं, तो कौन सा ही तो यही है। तो घर जल्दी लेकर जाइए मेरे वास्ते। तो भाई अपने लिए आ चुका है क्या है, कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी नमकीन में खाने का नहीं, बिस्कुट में का चेक कर लो। चेक करोगे? यस। वैसे मतलब आपने ये बनाया मेरे लिए, मतलब ये रेसिपी आपने कहाँ से लिया? ये तो मैं पता नहीं दिया। ओके चलो पी लो फिर फटाफट। ठीक है जाओ ले ले ले। नमस्ते, बढ़िया तरह बोलो भाई। जवान नहीं है मुमा। ठीक हो जी साहब। बढ़िया एकदम अपने सुना। देख तेरे वास्ते देखी रख रखी है कोल्ड कॉफी है। क्या बना लाइसेंस का हो गया मेरे पास? पक्की बात? तो भाई कोल्ड कॉफी पीने के बाद ही फोटो सेलेक्ट हो रही है कौन कौन सी रखनी है। कर दी हो सारे डिलीट? सारी नहीं कर दी मैं। तो सही सही रख रही हूँ, बच्चे उड़ा रही हूँ। ठीक पानी दे दे, समझ रहे हो? यप यप। कौन आया? सिंधु मैडम। हाँ मेरे को। हाँ वही वही सही पढ़ रहे हैं। कैसे हो जीजू? बुलाऊं से करो फोन? रहने दे बस, कह लूंगा मैंने। तो भाई साहब अपनी खातरदारी में खातरदारी में भाई साहब यो आया इस टाइम क्या ना खुश हो रही थी चप्पल आ गई मेरी जो मैंने मंगाई थी। तो भाई साहब फिर इसने करो फिर अनबॉक्सिंग करूं? अनबॉक्सिंग ये बात पता लगा इसके अंदर कुछ और निकले भूस निकले। डू नो अबाउट भूस? नो भूस का नहीं पता तूड़ी उन्हें तेरे सारी चीज़ों अवेयर करा दूंगा मैं। तेरी चप्पल कितने रुपये खर्च कितने ने तू? 1050। तो दोस्तों देख लो 1050 में ही आया। अच्छी लग रही ना? तो भाई ये आई अपनी मिस्टू मिस्टी। पूछ ले क्या चाहो फूफा जी? मिस्टी का मतलब फूफा। पूछ ले कुछ क्या चाहो फूफा जी? बोल दे एक बार देखो मिस्टू। हाँ तो सूट पहन रखा था रे। चुन्नी भी है सूट भी है। मिस्टी तेरा दांत देखा? दांत दांत दिखाइयो। दांत दे ऐसे कर दे ऐसे कर दे उधर कैमरे की साइड टूटे का दांत देख बार क्यों। तो भाई ये बच्चे पता नहीं कौन कौन से खेल खेल रहे मेरी ये इसमें दर्द हुआ ना? हाँ अब उंगली बतानी है। मिस्टू परांदा दिखा दो अपना इसमें।
26 के बाद 28 आवा और ये भाई 28 26 के बाद 28 के रसीद था वही तो कह रहे 26 के बाद 28 हेलो गाइस थोड़ा मिस्टेक हो गया था इतनी जोर का थोड़ी करना इतनी जोर का ही करते हैं तो नो चुप हो रहा यार इसमें कर दो इसमें इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इधर कुछ 17 18 19 20 बार ऐसे ऐसे करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रहन दे बस दोनों हाथ करो क्या किस्मत दल दो या दोनों भाई इसमें एक में बताना एक में बताना इसमें 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 बस ये खेल था ऐसे नहीं होती सर पे उड़ते हैं डांस करके दिखाओ देखा मिस्टी मिस्टी इधर इधर मिस्टी डांस करके दिखा ना ना इब नहीं करना ये तो चमला जाएगी तो भाई ये गुड्डा भी था मैडम का यो भी लेकर जाना पड़ेगा जो करिए देखो भाई जो गड्डी मावा यो तो भाई बाहर थम देख सको कि अभी तो भाई साहब मिलना जुलना नहीं खत्म हो रहा क्योंकि पता ही अभी थमने इतनी जल्दी थोड़ी ना घर से निकला जा बाकी ये मेरी वाइफ की भाभी है जो मतलब टायरों के ऊपर पानी गिर रही है जो भी रीति रिवाज होंगे होंगे मैंने इतनी नॉलेज नहीं है तो बाकी चलते हैं फिर इधर मैं तो वेट पर बैठा ही हूँ गाड़ी में तो भाई फाइनली मैं अपनी वाइफ ते लेगा भाई निकल गया हूँ इनके घर ते थमने पता ही है भाई निकलने में टाइम तो लगा ही है घर छोड़ना तो आसान थोड़ी ना है बाकी देखो मैडम रो रो के अभी बस ये भी थारे घर किसी मत दूर नहीं गए देख ले जे कुछ रह गया हो बाद में लगाइए मेरे ते मैं दोबारा नहीं जाने का वापस बड़े दिन तने मजे कर लिए चल कर गोबर भी पाथना किसने तन्ने आओ आओ क्या नो बेबी और कौन पाथा गा मम्मी अभी की बोल रही है शर्म नहीं आती कहते हैं शर्म नहीं आती अपनी बूढ़ी माँ को क्या कह रही है तू मम्मी पाथे के गोबर गोबर मेरे को नहीं आता ओके तो मैं बस इब चल दिए थे हम टाइम हो रहा है 4:26 और मैं 11:33 पर पहुंच गया था लेकिन फिर मैंने पता ही है मिठाई वगैरह मैं लेकर आया था और 12 थे अब फिर हम चल दिए घर की तरफ ने ठीक है चलो चलते हैं फिर किस तरह करूँ मैं मजाक करती हूँ यार ये देखिए मेरी नकल आता रहा और जबकि मैं उस तरह करता भी नहीं हूँ क्या हाँ किस तरह कर रहा था बताइए दम दो बला है ना पा तो भाई हम खड़े हैं यहीं बत्तियों पे खड़े हैं भाई रेड लाइट पे फिलहाल तक चली नहीं है देखो बाकी फिर अब आगे क्या तो भैया अब लोग बनाना सीख रही है क्योंकि कई बंदों के कमेंटर थे कि का इसको भी ब्लॉग बनाना सिखाओ तो भाई मैं तो कोशिश करूँ सिखाने की लेकिन इसने देखो क्या खराबी मेरी तरफ कर दिया कैमरा अपने मुंह की तरफ लेकर जाना तो बात कर मतलब बातचीत करना जो अपने मतलब सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ बात करो ना आप तभी तो सीखोगे अभी आप करते रहे हो कब सीखोगे कब बड़े होगे हो जाएंगे डैडी सिखा दो कुछ डैडी
I'm not your daddy. Dada. I'm your husband. Dada. I'm your husband. क्या देखी जा रही नीचे मैप अरे मैप देखूं मैं नीचे मार रहा है कोई मैं कैब वाले की तरह यहाँ खड़े कर रखे ओह कैब वाले तो भाई कमेंट करो नीचे ठीक है इससे कहो या खुद लोग मनाया करा कि मेरे पास और भी बहुत काम हो अच्छा मैं वेली हूँ मेरे पास और काम नहीं है और वेली है ना तो भाई जिस रास्ते पर मैं आया था ना वो सब थे मतलब सूखा रास्ता है लेकिन ये बंदे वो मतलब मैं भूल गया हर नाम मैंने याद है भाई पहली बात है मैंने याद नहीं है वो रास्ता क्योंकि अपनी साइड से जाते हो तो मैंने पता है कि हाँ सीधा जाना लेकिन फिर मैं आंदे हो समझ नहीं आया तो मैंने सीधा पंचकूला भरा पता नहीं मैं अपने कहा था डका नहीं खैर फिर भी मेरे हिसाब से 2-1 किलोमीटर माना मैं भी पचड़ जाएंगे उसी भाई लेकिन ये पता नहीं कहाँ कहाँ ने काट का लिया सामने दिखाओ भाई साहब कैमरा मैन तो पता नहीं ये लोकल रास्ते हैं यहाँ के मतलब जीरकपुर भी हम पहुंचे थे जिस साइड ने मैंने जाना नहीं था ना जीरकपुर भी गए हम और जीरकपुर ते वहीं थे मुड़े हैं मतलब सीधे तो फिर मैंने बल्कि सेक्टर सुक्टर के रास्ते भी भरे लेकिन खैर अब देखो कहाँ लेके जा गए मेरे हिसाब से तो हाईवे भाई काट देगा बाकी देखते हैं आगे जाके तो भाई हाईवे मिल गया हमने मतलब फाइनली जिस रास्ते से जाना था ना वो रास्ता मिल गया यार दिमाग सा खराब हो गया था मैं पता नहीं मैं आप कहाँ कहाँ लेकर जाएगा लेकिन भाई इसने उसी रास्ते पर निकाल दिया है कोई दिक्कत नहीं है इस पर तो सीधा जाना ही है हमने ठीक है तो हम जा रहे हैं सुट्टम सूट रूल रेगुलेशन फॉलो करते हुए सुट्टम सूट और झूठे वो सुना तुमने कहा जी विक्रम ले दिए नाम टोल पे आजकल चल रहा है पूरा वो मुझे नहीं पता अरे नहीं गाना था क्या यार मन्ने सुनी तू उन रोड भी पैग मारता चल है नाम दे गाना था यार उसमें का नाम चले है एक बोल पे विक्रम कह दिए नाम टोल पे तो यो भाई साहब आगे है टोल टैक्स ठीक है वो वाला टोल टैक्स है मतलब ये हाँ इसमें विक्रम नाम लिखा दिखा अच्छा देख लो ना पर अपना फास्ट टैग लग रहा है रहने दे कोई सोनी बेइज्जती कर दे बस ठीक है फिर तो भाई काकू देवी ले रही है टॉफी कौन सी टॉफी आए इमली वाली सही है मस्त एकदम नए की बताइए नो तुम खाओ बस वही बस लगभग 1.5 घंटा तक पहुंच लेंगे हम अरे मैडम गेल तो भाई मेरी गानों के ऊपर ही बस वैसा वैसा ही चलती रहा मैं हरियाणवी सुन दे यार चंडीगढ़ से या पक्की फोन ही खोस लिया मेरे पास यूं कहा मैं खुद लगाऊं मैं खुद लगा ले इसने सुनने पंजाबी है तो ये भी पीछे थे हरियाणा थे लेकिन इसका जन्म भाई चंडीगढ़ का है तो समझ सकते हो तुम बाकी देखो भैया क्या सुनाऊंगी मेरे ते वीडियो में तो कह नहीं सकता हूँ मतलब सुना नहीं सकता मैं क्योंकि थंबनेल पते कॉपीराइट आ जाएगा फिर वीडियो पर इस करका मैं नहीं झेलना पड़ेगा ठीक है तो चलते अच्छा, हैं यस झेल रहे हैं तुम्हें झेल रहे हैं कोई नहीं मम्मी के सामने बोलना एक बार क्या बोलूं मम्मी के सामने मम्मी के सामने बोलना अच्छा तो वही अपना पिंड मतलब हमारा गांव थोड़ी ही दूरी पर रह गया है यहाँ से तो मैडम जी ने अपने जो दुपट्टा है ना इसका रेड कलर वाला रेड है ना रेड कलर का जो इसका दुपट्टा है वो लेना है इसने पता नहीं कुछ रिवाज होने दोगा जो भी मैटर है मैंने तो पता नहीं था ना तब ने पता यार मैं तो बिल्कुल यार शरीफ बच्चा हूँ मेरे को इतना नॉलेज नहीं है तो मैं आगे रोकूंगा और रोक के फिर मैडम लेंगी अपना दुपट्टा और पीछे इसका जो बल्लू पड़ा है ना अब तक नहीं उठाया देख ले ठहरे इसने मार साले का देगा अभी के लिए वो मार मार इसका अभी के लिए अरे मार इसका मैं नहीं मारती सोने दो अब तक नहीं उठा सोने दो कौन है
एक छोटा भी है भाई इसकी गेल, छोटा बच्चा। यो अगर किसी ने याद हो भाई, भाभी है अपनी रिंकू, मैं और रिंकू भाभी ने दो लिए थे, एक रिंकू भाभी पर रह गया था, एक मेरे पर रह गया था। तो मैंने यो मैडम जी को गिफ्ट दे दिया था, कर दे बंद। तो भाई बस अपने गोमा एंट्री करने लग रहे हैं, अरे घर के देख रहे होंगे बाटिब बाहर गली में ही खड़े, क्योंकि हमने कर दिया फोन, क्योंकि सामान बहुत ज्यादा है हमारे पास। ठीक है खैर, गड्डी में सारा सारा एडजस्ट हो गया, पता नहीं क्या क्या ले रखा सर ने, क्या क्या नहीं, तकिए पकिए गेल में इतना बड़ा बालू सा ले लिया, देखियो ऐसी बनगी जैसा थी नहीं ऐसी बिल्कुल, हाँ पूरी मतलब उसमें केवल रीति रिवाजों में बंद गई है। सही है बेटे, सही जा रहे हो। तो भाई इस बंदे ने तो पूरी की पूरी जगह ही घेर ली बेड पर, और क्या कल्ला यही रह गया। तो भाई घर पहुंच गया था, चेंज वगैरह करा क्योंकि अंकल और मेरा वेट कर रहे थे, मेरा अंकल और एक मेरा भाई है ताऊ का लड़का, हम तीनों जिम में जाया करा इकट्ठे, तो वे मेरा वेट कर रहे थे, मैं चेंज चूंज करके जिम में जाने लग रहा हूँ। तो भाई मैं था जिम थे और मैडम तो लग रही है अलमारी सेट करने का, क्योंकि मैंने तो उल्ट फुल्ट कर दी थी काफ़ी देर अलमारी, ये मैडम सेट कर रही है, इसमें बिजी है, मैं इतनी देर तक जिम में जा रहा है, तो सेट नहीं हुई है, काम नहीं कर रहा है, सब्जी बनाई मैंने भी नहीं। ओके, और ये बंदा क्या कर रहा है? ये बंदा पड़ा है जक्कत, इसका पढ़ाई देगा, ये आपका ही तो है, अभी रुक गया था बप्पू बेटा बैठे। वही रस्ते में ना वो नहीं मिला था, हमने जूस पीना था, बेचारी ने बीमार है यहाँ, इसके ब्लड में इन्फेक्शन था, ये तो खैर नॉर्मल है, तो फिर मैं इसके वास्ते ले आया था जूस। और वो वाली बात भी तो बताओ, तो इसने जूस के लिए शॉपिंग बाद में कर रही, लड़ूंगा बाद में, बाद में लड़ लिए कोई ना वो बड़ी बात भी तो बताओ, शिकायत लगा रही मेरी, मैंने मम्मी से बता दिया, क्या क्या आपने मेरे मारे थे, ये बात बतानी की थी, वो तो मैंने बता दी, मम्मी कह रही मैं अपने आप बदला ले लूँगी। चलो सही है, एक भाई इस बंदे के रहने की जगह नहीं मिल रही है, अब फिर इसकी जगह चेंज कराएंगे, ये देख क्या। तो भाई सारे अपने इस बालू से बहुत प्यार दे रहे हैं, ठह ठह का देख रहे हैं भी कितना बड़ा है वो साला, मेरी भी गोदी में भाग्य जा रहा है। ये भी इसकी जगह है भाई साहब, दूसरे घर ने मतलब जो अपना दूसरा है ना अपर रूम, उसमें लेकर जा रहा मैं इसने, यो वहीं सेट आवागा, क्योंकि इस रूम में कोई सोना था नहीं फिलहाल, छोटा भाई सो है, और इसमें सेट आ जाएगा। तो भाई साहब यो बंदा होए तो कह दिया यार इसने, तो इस बंदे ने बैठाऊंगा मैं यहाँ, देखो भाई इसने साले की टी शर्ट भी बटने वाली हो रही थी, देख लो कितना मोटा है वो, कपड़े भी पूरे नहीं आते इसका, इसके मापे के ये थंबनेल में देखने में वैसे लग रहा होगा वैसे वीडियो में, क्योंकि मैंने वाइड एंगल करके बना रखी है, यो आधे बेड पर है, मतलब जो बेड हुआ ना पूरा डबल बेड उसके आधे पर है, देखो इतना चौड़ा है वो और इतना मोटा है। तो भाई जिम ते मैं आ गया था, और फिर जैसा कि मैंने पीछा बताया, फिर मतलब काकू ने आते टाइम बोला था कि मेरे ते मतलब जूस पीना है, इसने बोला ही जिस टाइम मतलब थोड़े ही पीछे रह गए थे और हाईवे पर मैंने कोई दिखा भी नहीं जूस वाला, तो फिर मैं अब इसके वास्ते जूस लेकर आया था, क्योंकि इसकी तबीयत काफ़ी दिन तक ख़राब थी, अभी थोड़ा सुधार होया है, इन्फेक्शन वगैरह था खून में, अब तो सेट हो गया। तो फिर अब मैं इसने रखना आ गया था, अब रखने के बाद मैं अब हाथ पैर धो के फिर रोटी राटी खावाँगे, फिर गप्पे शप्पे मारेंगे भाई, बस यही रूटीन थी आज की, तो हमने देख ही लिया डे कैसा गया। ठीक है, मिलेंगे जल्दी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप इसने खूब सारा प्यार दो भाई अपना, और शेयर करते रह करो, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ा भाई अग्गा कुछ बनाने वास्ता। ठीक है, क्योंकि आप भी एक फैमिली हो,
जो हमारे साथ जुड़ रहे हो, हमारे व्लॉग देखो, हमारे इतना प्यार दो। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी।